दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, एचएसएससी आईटी इंस्ट्रक्टर एडवर्टाइज 12/2019, 1/2020, 14/2019 और क्लर्क समेत भाई जो भी आपके फाइनल रिजल्ट पेंडिंग हैं तो उनको लेकर भाई चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का लाइव बयान आया है और कब तक आपका रिजल्ट आएगा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भाई आपका जो पेंडिंग रिजल्ट है। अभी आप सभी को पता है पिछले 5-7 दिनों से हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कॉन्स्टेबल के रिजल्ट को लेकर एचएसएससी में काम चल रहा था, तो उनका रिजल्ट भाई अब आप वो है जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं भाई क्लर्क रिजल्ट की। तो जो क्लर्क का रिजल्ट है भाई, टाइम आप सभी को पता है एचएसएससी को 2 महीने का टाइम दिया गया था कोर्ट के द्वारा, तो 2 महीने आपके जो कंप्लीट है वो 25 तारीख को हो रहे हैं, 25 जून को, ठीक है। तो कोशिश यही है भी, चेयरमैन साहब का बोलना यही है भी हम 25 तारीख को क्लर्क का रिजल्ट निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और 25 को अगर क्लर्क का रिजल्ट निकाल देते हैं तो उसके बाद में भाई आपके जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है उनका नंबर यहाँ पर लगने वाला है। और पहले जो बात आई थी भाई 15 जुलाई तक की बात आई थी, और अब आज जो इंटरव्यू हुआ है उसमें भोपाल सिंह जो खत्री है उन्होंने ये कहा है भी हम जुलाई महीने के अंदर सभी रिजल्ट देने की जो है दे देंगे, ये भाई उन्होंने बयान दिया है, ठीक है। जो भी चाहिए आपका एडवर्टाइज 12/19 हो, 1/20, 14/19, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है ना आपके, वो चेयरमैन साहब ने कहा भी हम जुलाई में दे देंगे। तो जुलाई में अगर आपका आ जाता है तो जुलाई के अंदर आप सभी को पता भी आपके कोर्ट की डेट भी है, और साथ के साथ अगर कोर्ट से फैसला हो जाता है तो भी आपकी ज्वाइनिंग है वो अगस्त के अंदर आप ज्वाइनिंग मान सकते हैं, ज्वाइनिंग भी आपकी जल्दी ही करवा दी जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है भाई आईटी इंस्ट्रक्टर की जो कमियां हैं आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और पोस्टें भाई बहुत कम यहाँ पर मांगी गई है, 3200 के लगभग। तो इतने में आप सभी को पता भी काम चलाना बिल्कुल मुश्किल है, फिर भी ये भाई भर्ती को इतनी लंबी खींच गए हैं तो आप समझ सकते हो भाई कहीं ना कहीं मनसा थोड़ी इनकी ख़राब थी। परंतु अभी जो बात है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ भाई, जो क्या लग रहा है इस जो इंटरव्यू से हमें क्या लगा है, जो आपके पेंडिंग रिजल्ट है ना, क्योंकि सबसे पहले दबाव था भाई हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल का, तो उनका रिजल्ट एचएसएससी ने जारी कर दिया, उसके बाद फीमेल का, उसके बाद कलर का तो इनको पता भी दबाव कोर्ट का है, अगर टाइम से काम नहीं करेंगे तो कोर्ट भाई इनको फटकार लगेगा, हो सकता है जुर्माना भी कोर्ट लगा दे, तो इसके लिए भाई ये कलर्क पर काम करेंगे एक बार। तो कलर्क का रिजल्ट आने के बाद भाई जुलाई के अंदर 100% जो उम्मीद लग रही है भाई आपके रिजल्ट आएंगे इस बार, ठीक है। बाकी अगर आप किसी से मिलना चाहो तो भाई ज़रूर मिलो, क्योंकि अगर मिलोगे तो ही किसी बंदे के ऊपर प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनने के बाद में भाई रिजल्ट आपके थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे भाई जल्दी रिजल्ट दें और इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग भाई बच्चों को करवा दें। तो इसमें भाई रिजल्ट आपके जुलाई के अंदर आने की बिल्कुल 100% संभावना है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी भाई, और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भाई, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कहा था भी हम जून के अंदर रिजल्ट दे देंगे, तो जून के अंदर आप सभी को पता भी जो 3 बड़े बड़े रिजल्ट थे तो उनकी वजह से अभी आपके जो रिजल्ट अब रोक दिए गए हैं, और अभी जो बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब वो बोल रहे भी जुलाई के अंदर। तो इस बारे में भाई आप क्या राय देना चाहते हैं, चेयरमैन साहब की बात से आपको क्या लग रहा है भाई, रिजल्ट आपके आ जाएंगे या फिर समय है वो आगे और बढ़ाएंगे? अगर भाई जुलाई के अंदर रिजल्ट आ जाता है तो हो सकता है अभी अगस्त के अंदर आपकी ज्वाइनिंग है वो भी संभव हो सकती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप प्रेशर बनाओगे रिजल्ट आने के बाद में तो भाई ज्वाइनिंग भी आपकी जल्दी ही करवा दी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई, एक पॉजिटिव न्यूज़, आप इसको मान सकते हैं। वीडियो को भाई लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।